गाइज, एपिसोड 8 स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड 8 के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि शेंजोर स्टारलाइट शामो के ऑफिस के बाहर खड़े होकर उसका इंतजार कर रहे होते हैं। तो स्टारलाइट कहता है कि इन दिनों में आप और मिसेज शामो बिल्कुल एक रियल कपल की तरह लगते हैं। तो शेंजोर शर्माते हुए कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हम जस्ट एक फेक कपल हैं और ये रिलेशन वैसे भी 3 मंथ बाद एक्सपायर हो जाएगा। तो वो कहता है कि ब्रदर, ऐसा लगता तो नहीं है कि आप सिस्टर को पसंद ना करते हो। तो वो कहता है कि मैं रियली उसको लाइक नहीं करता। फिर वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं सिस्टर को बता देता हूँ, क्योंकि अगर यह रिलेशन एक्सपायर हो गया तो सिस्टर बहुत ज़्यादा सैड हो जाएंगी। तो शेंजोर भागकर उसका हाथ पकड़ लेता है। तो वो कहता है ब्रदर क्या हुआ। तो वो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें अभी बताने में कोई जल्दी नहीं है, मैं खुद जाकर उसको बता दूंगा। तो वो कहता है कि यह रिलेशन सिर्फ और सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए था, तो जब भी एक्सपायर हो जाएगा तो उसको खुद ब खुद पता चल जाएगा। वो ये बात बता रहा होता है, साथ कन्फ्यूज हो रहा होता है, तो स्टारलाइट उसके सारे फेस फीचर्स पढ़ लेता और कहता है कि ब्रदर, आपने मुझे पहले कहा था कि झूठ नहीं बोलना, लेकिन अभी आप खुद झूठ बोल रहे हैं। तो फिर वो कन्फ्यूज़ हो जाता है और वहाँ पर उसके हाथ में जो कॉफ़ी का कप होता है उसको ज़ोर से प्रेस करता है। तो स्टारलाइट इसको भी सर्च कर लेता और कहता है कि ये एंगर इशू है। और फिर कहता है कि ब्रदर, आप मुझसे कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मिसेस टैंग जो कि शेंजोर के ऑफिस में आती है और मिस्टर किन का इंतजार कर रही होती है। अंदर मिस्टर किन को दिखाया जाता है जो अपनी क्लाइंट के साथ बात कर रहे होते हैं। तो उनकी क्लाइंट कहती है कि बाहर आपके लिए कोई क्लाइंट आई है जिनका आपने इंटरव्यू लेना है, क्योंकि मिस्टर शेंजोर आज नहीं है ऑफिस में। तो वो कहता है ठीक है। और वो बाहर आता तो आगे मिसेस टैंग खड़ी होती हैं। तो मिस टैंग कहती है कि मैं इंटरव्यू देने के लिए आई हूँ। तो वो कहता है कि मिसेस टैंग, आप मिसेस शामो की फ्रेंड है। तो वो कहती है कि क्या मिसेस शामो की फ्रेंड इंटरव्यू देने के लिए नहीं आ सकती। वो कहता है कि मेरा मतलब हरगिज़ नहीं था। वो कहता है कि आया आकर बैठे। और फिर वो दोनों बैठ जाते हैं। तो देखता है मिस्टर किन के उसके हाथ पर सारी की सारी सुर्खी लगी होती है। और फिर वो फाइल को देखता है तो वहाँ पर भी लिपस्टिक लगी होती है। फिर वो जल्दी से मिसेस टैंग को टिशू देता है और कहता है कि असल बात यह है कि हमारी जो टेक कंपनी है उसके बहुत ज़्यादा नेटवर्क्स हैं, इसलिए हमारी सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं होती कि जो कि आपकी नीड्स को पूरा कर सके। फिर टैंग मिस्टर किन को कहती है कि मुझे पैसों से ज़्यादा कंसर्न नहीं है। पहली चीज़ तो ये कि मैं अपनी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहती हूँ टैंग कंपनी में। और दूसरी बात ये, तो मिस्टर किन कहता है कि दूसरी बात क्या। तो टैंग कहती है कि दूसरी बात ये कि क्या आपको असिस्टेंट नहीं चाहिए। तो वहाँ पर मिस्टर किन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाता है। वो कहता है कि मेरा मतलब ये नहीं। दूसरी तरफ शेंजोर को दिखाया जाता है जो स्टारलाइट को कहता है कि स्टारलाइट, अगर तुमने ग्रैंडपा के घर आज रात जाना है तो हमारे साथ आ जाओ। वो कहता है कि नहीं, मुझे दानिका के साथ कोई काम है इसलिए मैं उसके साथ गेम्स प्ले करूंगा। तो वो कहता है कि चलो ठीक है, तुम घर चले जाओ कार लेकर। फिर वो कार लेकर घर चला जाता है। दूसरी तरफ मिस्टर किन और मिसेस कैन टैंग को दिखाया जाता है कि जो आपस में बातें कर रहे होते हैं। तो किन टैंग को कहता है कि क्या आप वाकई एक आपको असिस्टेंट की ज़रूरत है। तो वहीं पर शेंजोर की कॉल आ जाती है और शेंजोर कहता है कि किन, मुझे आकर ड्रॉप कर देना। तो फिर मिस्टर किन टैंग को कहते हैं कि मुझे अर्जेंट जाना है, मैं आपसे फिर मिलूंगा। तो टैंग कहती है क्यों ना आज रात आप डिनर पर मेरे साथ आ जाएं। तो वो कहता है अगर मेरे पास वक्त हुआ तो मैं ज़रूर आऊँगा। फिर वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर दिखाया जाता है शामो को कि शामो शेंजोर के पास और कहती है कि चलो चलें। तो वो कहती है कि तुम्हारी कार कहाँ है। वहीं पर पीछे से मिस्टर किन जो है वो कार लेकर आ जाता है और कहता है कि आए चलें। तो फिर वो दोनों कार में बैठ जाते हैं, एक मॉल के सामने उतर जाते हैं। तो शामो वहाँ पर अपने अकाउंट बैलेंस देखती, कहती है ये तो बहुत ज़्यादा कम है, तो इतने बड़े मॉल से मैं क्या क्या खरीदूंगी। फिर वो उसको एक आइडिया आता है और वो शेंजोर से कहती है कि क्यों ना हम कहीं और चले। तो वो कहता है क्या मतलब। वो कहती है कि असल में बहुत ज़्यादा यहाँ पर नई ब्रांड्स आई हैं और यहाँ पर एक स्ट्रीट में एक बहुत अच्छी शॉप है जहाँ पर बहुत ब्रांड वाले कपड़े होते हैं, तो हम क्यों ना वहाँ से ख़रीद लें। तो फिर शेंजोर कुछ देर सोचता है। तो फिर वो उसको कहता है कि वो कहाँ पर है, मुझे रास्ता बताओ। तो शामो आगे से कहती है कि तुम फ़ौरन राज़ी भी होगी। उसका हाथ पकड़कर उसी रास्ते की तरफ लेकर भागना शुरू हो जाती है। तो शेंजोर को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है कि इसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। फिर वहाँ पर अचानक सिग्नल्स होते हैं तो वहाँ पर रुक जाते हैं। तो शामो फ़ौरन से शेंजोर का हाथ छोड़ देती है और फिर वो एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं। जैसे ही सिग्नल ऑन होते हैं तो दोबारा शेंजोर खुद उसका शामो का हाथ पकड़ता है और उसको लेकर रोड के दूसरी तरफ चला जाता है। फिर वो दोनों वहाँ उसी मॉल में आते हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिलीशियस डिशेज़ बन रही होती है। तो शामो को फ़ौरन भूख लग जाती है और कहती है कि अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, क्यों ना तो मुझे 1 घंटा दो कि हम कुछ डिलीशियस खा लें। वो कहता है कि जल्दी करो, मैं तुम्हें 1 घंटा देता हूँ, ऐसा हम लेट हो जाएं। फिर शामो फौरन एक शॉप पर जाती है, वहां से कुछ मजेदार चीज खरीदने लगती है। तो शेंजोर कहता है मैं इसके लिए पे कर दूंगा और फौरन उसके लिए पे कर देता है। फिर शामो उसको कहती है क्या तुम टेस्ट करना चाहोगे। तो वो कहता है कि नहीं। फिर शामो खाती है तो फौरन शेंजोर उसके हाथ से लेकर खा लेता है। फिर शामो को एक और शॉप नज़र आती है, वहाँ से वो कुछ लेकर आती है तो शेंजोर को देने लगती है, लेकिन शेंजोर मना कर रहा होता है। वो मुसलसल उसको दे रही होती है लेकिन वो इग्नोर कर रहा होता है। और कुछ उसके ड्रॉप्स उसके ड्रेस पर गिरने लगते, तो शेंजोर फौरन अपना हाथ कर लेता है। फिर उसको गुस्से से कहता है मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा मना किया है कि हमेशा ज़बरदस्ती मत करो, तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रही। और फिर शामो बहुत ज़्यादा डर जाती है और फिर
उसका भी कप अपने उसमें डिश में डाल लेती है और फिर खाना शुरू हो जाती है और बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। शैंजू जब देखता है कि ये तो बहुत ज़्यादा उदास हो गई है, फिर मुख्तलिफ बहाने ढूंढता है ताकि मैं इसको राज़ी कर सकूँ। फिर उसको कहता है कि चलो कोई बात नहीं है, अभी काफ़ी टाइम है, मैं एक नया ड्रेस ले लूँगा। वो फिर भी राज़ी नहीं होती। फिर उसको कहता है कि शामो तुमसे ये सब नहीं कहा जाएगा, मैं तुम्हारे साथ हेल्प करता हूँ। तो वो कहती है कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वो ज़बरदस्ती उसमें से एक बाइट लेता है, कहता है कि इसका टेस्ट इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं है। और फिर उसके साथ जल्दी जल्दी खाना शुरू हो जाता है, तो शामो देख कर हंसना शुरू हो जाती है। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में शामू कहती है क्या तुम्हारे पास गम है, तो वो कहता है कि हाँ मेरे पास एक है। फिर वो कहता है कि लेकिन मैंने ये खानी है, तो शामू कहती है चलो कोई बात नहीं। तो फिर वो हाफ शामू को दे देता है और हाफ खुद खा लेता है। फिर शैंजू कहता है कि जल्दी करो हमें लेट हो रही है। वहाँ पर एक वो शॉप पर जाते हैं जहाँ पर ड्रेसेस होते हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते, सिंपल ड्रेसेस होते हैं। तो शैंजू उनको देखकर कहता है कि क्या तुम ये ड्रेसेस लोगी जो मेरी पर्सनालिटी के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं है। और वो कहता है कि अगर तुम अपने लिए कुछ अच्छा खरीद नहीं सकती तो मुझे बता दो, मैं तुम्हें ले जाता हूँ। फिर शामू वहाँ पर कन्फ्यूज़ खड़ी हो जाती है, तो शैंजू उसका हाथ पकड़ता है और उसको उसी मॉल में ले जाता है। फिर वहाँ पर वो डिफरेंट ड्रेसेस देख रहे होते हैं, शामू उनकी प्राइसेस देखती है तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। फिर वो एक ड्रेस को देखती है तो कहती है कि इसका स्टाइल मुझ पर ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इसका जो शेप है वो वी शेप है। फिर शैंजू वहाँ पर खड़ी मॉल की एक लेडी से कहता है कि इनको कोई कन्वीनियंट सा और खूबसूरत सा ड्रेस इनके लिए चूज़ कर दे जो इन पर अच्छा लगे। और फिर वहाँ पर बैठ जाता है, तो वो लेडी उसको अंदर ले जाती है वीआईपी गेस्ट रूम में। वहाँ पर वो शामू को डिफरेंट किस्म के ड्रेसेस पहनाती हैं, तो वो शैंजू के सामने आकर उसको रिप्रेजेंट करते। तो शैंजू उस सब की तरफ देख कर कहता है कि नहीं ये कोई ख़ास अच्छा नहीं लग रहा। फिर एक ड्रेस जो कि शामू पहनती है तो उस पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है, तो अंदर मौजूद लेडी शामू से कह रही होती है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा नाइस लग रहा है। तो शैंजू उठकर अंदर जाता है और देखता है कि शामू बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। लेकिन जब वो उसके गले की तरफ देखता है तो वहाँ पर वो कहता है कि अभी भी कोई चीज़ मिस है। तो वहाँ पर पड़े नेकलेसेस की तरफ देखता है और वहाँ से एक नेकलेस उठाकर शामू को पहना देता है, जिसको सब देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो रहे होते हैं। और मॉल में हर कोई देखकर खड़ा उनको देख रहा होता है और कहते हैं कि ये दोनों कपल कितने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। तो वहाँ से मिस्टर किन मिस्टर शैंजू से मैसेज करके पूछता है कि क्या आज रात मुझे फ्री हो कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अपनी एक दोस्त के साथ डिनर के लिए जाना है। तो मिस्टर शैंजू कहते हैं कि चलो तुम हमें ड्रॉप कर देना और फिर आज रात तुम फ्री हो। फिर वो फौरन खुश होता है और खुश होकर टैंग को मैसेज करता है कि टैंग मैं आज रात आपके साथ डिनर के लिए आ जाऊँगा, मेरा वेट करना। तो वो कहती है कि ठीक है। और फिर यहाँ से शैंजू और शामू अपने ड्रेस पैक करवाते हैं और मॉल से बाहर निकल आते हैं। जब वो दोनों मॉल से बाहर आते हैं तो मिस्टर किन कहता है कि मिसेज शामू आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं, और फिर कहता है कि चलें आप दोनों जल्दी से कार में बैठ जाएं। फिर वो दोनों कार में बैठ जाते हैं, तो अभी वो रास्ते में जा रहे होते हैं कि शामू अपने आप को देख रही होती है मोबाइल में और फिर कहती है कि यहाँ पर कितना ज़्यादा अंधेरा है, मैं पिक्चर भी नहीं बना सकती। तो शैंजू ऊपर से लाइट ऑन कर देता है, तो शामू बहुत ज़्यादा मुस्कुरा देती है और फिर अपनी पिक्चर्स बनाना शुरू हो जाती है। फिर शैंजू को कहता है कि मैं अपनी पिक्चर सही से नहीं बना पा रही, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। और फिर कहती है कि मेरी क्या तुम पिक्चर्स बना सकते हो, तो वो कहता है कि ठीक है। फिर उससे मोबाइल है, लेकिन जब वो शामू स्टाइल बना रही होती तो शैंजू बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज सा हो जाता है, क्योंकि शामू बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे मोबाइल के साथ यूज़ टू नहीं हूँ, क्या मैं अपने मोबाइल में बना सकता। तो वो कहती है ठीक है। फिर वो अपने मोबाइल में उसकी बहुत ज़्यादा खूबसूरत पिक्चर्स बनाता है, तो वो कहती है कि मुझे दिखाओ। तो वो कहता है मैं तुम्हें सेंड कर देता हूँ, और फिर उसको सेंड कर देता है। फिर वो दोनों कार से नीचे उतरते हैं, तो मिस्टर किन उनके हाथ में एक गिफ्ट का बहुत बड़ा बॉक्स देता है और कहता है कि मिस्टर शैंजू क्या मैं अब जा सकता हूँ। तो मिस्टर शैंजू उसको तंज करते हुए कहते हैं कि डेट अच्छी तरह गुजारना। फिर वो कहता है कि मिस्टर शैंजू मेरा इस तरह मजाक तो मत बनाए, हम सिर्फ जस्ट फ्रेंड हैं। तो फिर वो कहता है कि रियली तुम फ्रेंड हो। फिर वो कहता है कि हाँ हम जस्ट रियली फ्रेंड हैं। तो फिर वो कहता है कि अच्छा जाओ, और फिर वो चला जाता है। तो शामू जब गिफ्ट्स की तरफ देखती है तो उसको याद आता है मैंने तो कोई गिफ्ट खरीदे नहीं ग्रैंडपा के लिए। तो वो कहती है कि शैंजू क्या तुम मुझे गिफ्ट दे सकते हो, मैंने असल में काम में मसरूफ़ होने की वजह से कोई गिफ्ट नहीं खरीदा। तो शैंजू कहता है क्या तुम वाकई काम में मसरूफ थी या खाने में मसरूफ थी। तो वो कहती है कि मुझे अंदर इस तरह नहीं जाना। तो फिर शैंजू उसको कहता है कि ये सब गिफ्ट मैंने तुम्हारे लिए ही बाय किए हैं, मुझे पता था तुम बिजी होगी तुम नहीं खरीद सकती। तो वो कहती है रियली। तो वो कहती है कि तुम क्या लेकर जाओगे। वो कहता है कि मैं जब भी ग्रैंडपा के घर आता हूँ कुछ ना कुछ लेकर आता हूँ, अब उनका घर गिफ्ट से भरा पड़ा है। और फिर भी ये दोनों कहकर अंदर चले जाते हैं। जब अंदर जाते तो शामू कहती है कि ग्रैंडपा का घर है ये तो कितना ज़्यादा बड़ा है। फिर वो दोनों ग्रैंडपा के घर की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं और यहीं पर हमारी एपिसोड का एंड हो जाता है।